अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में हमने बात की थी अरे डाटा स्ट्रक्चर की, और अरे डाटा स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। और लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हमारे पास जो डिफरेंट फिनोमिनाज हैं अरे की, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह को हमने स्टडी किया था। आज इस सेशन में हम बात करेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की फर्दर आगे एडवांसमेंट्स की। सो एक डाटा स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिक भी हो सकता है और एक डायनामिक भी हो सकता है। जो स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर होता है उसका साइज फिक्स होता है, और फिक्स साइज से मुराद ये है कि वो चेंजेबल नहीं होता एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम राइटिंग के दौरान। जब हम एक दफ़ा उसका साइज फिक्स कर देते हैं तो उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे अरे आपको पता है कि स्टैटिक होती है बाय डिफॉल्ट, जो उसका साइज एक बार आपने सेट कर दिया वो चेंजेबल नहीं होता। सो दिस मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ स्टैटिक मॉडिफायर्स। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर स्टैटिक मॉडिफाइड्स को पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इस कोर्स के साथ आप पढ़ रहे होंगे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि स्टैटिक मॉडिफाइड्स क्या होते हैं, जो चेंजेबल नहीं होते, जो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते। सो याद रखिएगा कि फिक्स साइज से मुराद क्या है, कि वो एक बार जो साइज हम उसको असाइन कर देते हैं वो उससे चेंज नहीं होता। सो अरेज आर स्टैटिक, वंस वी डिफाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट कैन होल्ड द नंबर ऑफ डजंट चेंज। हमने अगर 7 एलिमेंट की अरे डिफाइन की है तो वो हम 8वां एलिमेंट उसमें स्टोर नहीं कर सकते, हम उसमें ऐड अप नहीं कर पाएंगे। सो अ डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर ग्रोज एंड श्रिंक एट एग्जीक्यूशन टाइम एज रिक्वायर्ड बाय इट्स कंटेंट्स। अ डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग अ लिंक्स। तो जो डायनामिक स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम उसके साइज को ग्रो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जी आप एक लिस्ट पर आ रहे हैं 10 लोगों की, आपको 11वां पर्सन ऐड करना पड़ गया तो उसमें आप सिंपल ऐड कर लेते हैं लिस्ट, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी में सीट ही 4 हो तो आप 6ठा आदमी नहीं बिठा सकते, 5वां नहीं बिठा सकते। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर्स। सो डाटा स्ट्रक्चर्स में फर्दर बी कैटेगराइज इनटू द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो यूनिक प्रीडिसेसर होते हैं, जिनके अंदर यहाँ सक्सेसर होते हैं। मिसाल के तौर पर एक सिंगल डायमेंशन जो होते हैं मैट्रिक्स में, आप लोगों ने मैट्रिक में मैट्रिक्स को पढ़ा होगा, मैट्रिक्स जो होते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर आपको पता है कि 2-डायमेंशनल वर्किंग होती है, एक रो होती है या एक कॉलम होता है, दोनों मिक्सअप होता है। तो रो और कॉलम की कलेक्शन के ऊपर जो है वो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसे हम कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम कहते हैं। इसी तरह आपके पास जो नॉन लीनियर होते हैं ना, वो किसी स्पेसिफिक लाइन के ऊपर फॉलो नहीं करते हैं, उनका स्ट्रक्चर को सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा होता। सो इन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एवरी कंपोनेंट हैज अ यूनिक प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर except the first and last element, whereas in the case of non-linear data structure no such restrictions is there, as element may be arranged in any desired fashion restricted by the way we use to present such type. ye sirf hamari restrictions hoti hain jo hum uske andar lagayenge, otherwise wo is tarah se marzi grow karwana chahe aap karwa sakte hain. to jo non-linear hote hain unki koi specifically koi aap ye samajh le ki koi order unka nahi hota, wo without an order kaam kar rahe hote hain. अरे के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर है वो है लिस्ट। अब लिस्ट क्या है, द लिस्ट इज अमंग द मोस्ट जेनेरिक ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स। ये डाटा स्ट्रक्चर का बड़ा एक जेनेरिक स्ट्रक्चर है। रियल लाइफ में आपकी शॉपिंग की लिस्ट है, आपकी ग्रोसरीज की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ पीपल टू इनवाइट टू डिनर, लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू गो, जो जाने के लिए तैयार है उनकी, वो तमाम चीजों की लिस्ट जो है, लिस्ट हमेशा आपके पास एक किसी स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करती है। अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट आर ऑल ऑफ द सेम टाइप, लाइक ग्रोसरी तो सारी ग्रोसरी की आइटम्स हैं, इंटीजर्स सारे इंटीजर्स होंगे, नेम्स सारे के सारे नेम्स होंगे। द आइटम्स और एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट आर स्टोर्ड इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर, इस स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर जो है वो स्टोर होते हैं। इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट इनटू वेरियस पोजीशन इन द लिस्ट एंड रिमूव एनी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। क्या आप लिस्ट के किसी भी एलिमेंट में कहीं पे भी इंसर्शन कर सकते हैं और कहीं से भी आप रिमूवल कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। तो लिस्ट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इन अ लीनियर ऑर्डर। जैसे कि आप अगर देखें 1, 2, 3, 4, ये 4 एलिमेंट आपके पास हैं, और अगर आप इनको अरेंज करेंगे इस ऑर्डर में, आपको शायद लग रहा होगा ये सीक्वेंस में नहीं है, ये सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन कीप इन माइंड इस सीक्वेंस का मुराद कतई तौर पर ये नहीं कि ऑर्डर नहीं है, ये कोई ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर हो सकता है। इन दिस लिस्ट A3 इज अ फर्स्ट एलिमेंट, A1 इज अ सेकेंड एलिमेंट एंड सो ऑन। द ऑर्डर इज इम्प्लीमेंटेड हियर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ऑर्डर है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। यहाँ पे जो कलेक्शन यूज की जा रही है वो ऑर्डर्ड है। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड अरे।
अरे के अंदर आपका कोई स्पेसिफिकली ऑर्डर नहीं होता है, वो उसमें सीक्वेंस होता है, इंडेक्सेस होते हैं, वो सीक्वेंस में होते हैं, जबकि लिस्ट के अंदर आपके सीक्वेंस नहीं होता बल्कि ऑर्डर होता है। यहाँ पे आपके पास जो है वो सीक्वेंस नहीं बल्कि ऑर्डर को प्रेफर किया जाता है। सो द ऑर्डर इज इम्प्लीमेंट इंपॉर्टेंट हेयर। सो दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। तो जब हम ऑर्डर कलेक्शन की बात करते हैं तो उस कलेक्शन को फिर हमने इम्प्लीमेंट भी करना होता है। सो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशन रिक्वायर्ड है। अब वो बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं जो उस लिस्ट के अंदर यूज होंगे, जैसे क्रिएट करना, कॉपी करना, क्लियर करना, इंसर्ट करना, रिमूव करना, गेट करना, अपडेट करना, फाइंड करना, लेंथ फाइंड करना अपने स्ट्रक्चर की लिस्ट की, ये सारी चीजें जो हैं वो लिस्ट के ऑपरेशंस के अंदर आती हैं। सो ये सारे वो ऑपरेशंस हैं जो आप जब इंप्लीमेंट करते हैं लिस्ट को तो उसके अंदर आप इस्तेमाल करते हैं इनको। जैसे किसी एलिमेंट को फाइंड करना है, रिमूव करना, तो ये सारे ऑपरेशंस हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। We need to decide what is meant by the particular position. We use the question mark for this. हमने पर्टिकुलर पोजिशन को अभी तक क्वेश्चन मार्क्स के साथ डिफाइन किया हुआ है। सो इस क्वेश्चन मार्क्स से मुराद क्या है? वो पर्टिकुलर पोजिशन जो है वो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। यूज द एक्चुअल इंडेक्स, अगर तो देखें पहली पोजिशन, चूंकि अभी तक आपके पास कोई अल्टरनेटिव डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए अभी तक आपके पास जो अरे अवेलेबल है वो अरे को अगर यूज करते हैं तो वो अपने एक्चुअल इंडेक्सेस एलिमेंट्स को यूज करेगा, जैसे इंसर्ट आफ्टर एलिमेंट थर्ड, गेट एलिमेंट नंबर 6। सो दिस अप्रोच इज टेकन बाय द अरे, और ये अरे से करवाया जा सकता है काम। सो इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल होता है, हम उसमें करंट मार्कर को यूज करते हैं। अब करंट मार्कर क्या चीज है? यूज अ करंट मार्कर और पॉइंटर टू रेफर टू अ पर्टिकुलर पोजिशन इन द लिस्ट। हम इसके अंदर अपनी करंट लोकेशन पे बात करेंगे। हम करंट को कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, जैसे जैसे वो लिस्ट में ऐड होता जा रहे हैं तो करंट चेंज होता जा रहा है। आपने करंट को स्टार्ट पे ले आए, नेक्स्ट कर दिया, बैक कर लिया, सो लिस्ट के साथ आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अरे के साथ नहीं हो सकते। अरे के नेक्स्ट का मतलब क्या? 5 पे आया तो 5 का मतलब 6 है। हो सकता है कि मेरा नेक्स्ट एलिमेंट 6 पे ना 7 पे पड़ा हो। सो ये जो लोकेशंस होती हैं इनकी जो ट्रेसिंग होती है ये इंडेक्स के थ्रू मेंशन नहीं हो सकती, तो इसके लिए फिर हम करंट मार्कर को यूज करते हैं। अब करंट मार्कर क्या करता है? वो आपकी लोकेशन पर्टिकुलर ऑर्डर के मुताबिक सेट करता है, वो पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेगा। सो जब आप करंट मार्कर यूज करेंगे या अरे को यूज करते हैं, दोनों सूरतों में आपको स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। अब आपने जो भी स्ट्रक्चर बिल्ड करना है वो आप अपने मुताबिक करेंगे। अब उसके अंदर आप चीजों को एड अप भी करेंगे, माइनस भी करेंगे। तो अगर आप करंट मार्कर को यूज करते हैं तो फिर स्टार्ट, टेल, नेक्स्ट, बैक, ये चार ऑपरेशन आपको और ऐड करने पड़ जाएंगे। देखिए, याद रखिएगा, जब भी कभी आप कोई चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो आप उसकी स्ट्रक्चर की बिल्डिंग आप खुद करते हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं, आप खुद सेट करते हैं व्हाट इज योर स्ट्रक्चर, व्हाट इज योर मैकेनिज्म, आप कैसे चीजों को प्रेफर करेंगे, चीजों को डील कैसे करेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब ये काम आप करेंगे तो चार ऑपरेशन आपको और फॉलो करने पड़ जाएंगे। So we have designed the interface for the list. Now we must consider how to implement that interface. कि अगर हम बात करते हैं कि ये interface कैसे implement होगा, तो उसके वाले से आ जाएं। एक list आपके सामने है, 2, 2, 6, 8, 7, 1 ये numbers हैं, जो एक array के अंदर अगर आप रखते हैं, तो बड़े simply वो तरीके से implement होते जाएंगे। हम इसकी पहली structure की जो implementation है, वो array के साथ करते हैं। लेकिन आप array के साथ ये कैसे होगा? तो देखें, अगर नया element इसमें आता है, तो जहाँ पे करना है, उसको फिर आप shift करना पड़ेगा। अगर आपने नया करंट पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे मैं भी करंट को मैं मेंशन नहीं कर रहा कहीं पे, लेकिन थिंक अबाउट इट, करंट मेरा 4 पे है, करंट को मैं यूज कर लेता हूँ। सो वी विल नीड टू शिफ्ट एवरीथिंग टू द राइट ऑफ 81 प्लेस टू राइट टू अ न्यू प्लेस फॉर अ न्यू एलिमेंट 9। हमें न्यू एलिमेंट के लिए जगह बनानी पड़ेगी वहाँ पे। जब थिंक अबाउट इट, ये तो दो एलिमेंट थे, बड़े आराम से शिफ्ट हो जाएंगे। थिंक अबाउट इट, 1 मिलियन एलिमेंट्स, तो इसकी भी कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी। तो करंट फिर चेंज होगा, जगह बनेगी, वहां इंसर्ट होगा, फिर करंट चेंज होगा। सो देयर आर स्पेशल केसेस फॉर पोजीशनिंग द करंट पॉइंटर। स्टार्टिंग पे करेंगे तो एक मुसीबत गले पड़ जाएगी। फर्स्ट सेल से पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, लास्ट एलिमेंट के बाद भी पॉसिबल नहीं है। सो वी विल हैव टू वरी अबाउट दिस व्हेन वी राइट द एक्चुअल कोड। जब हम एक्चुअली कोड लिखेंगे, उस वक्त हमें इसकी इंपॉर्टेंस का या कॉम्प्लेक्सिटी का जो है वो आइडिया होगा। अभी आप कंसीडर कर लें कि अभी आप इसको लिस्ट को अरे से इंप्लीमेंट करते हैं, तो अरे से हैंडल करना बड़ा आसान है। चले हम अरे से इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं।